नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं सोनू झा। इस वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरभंगा में जो एम्स है वो एक राजनीति मुद्दा बन गया है। इतनी मिट्टीकरण के बावजूद भी अशोक पेपर मिल में एम्स देने की बात कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, खास बातचीत, क्या कुछ कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। खास बातचीत अभी हम करेंगे, ये लोग समाधान यात्रा धरना खासकर इनसे बात करेंगे कि एम्स का विषय जो है आखिर क्यों बार बार इस तरह से स्थान शरीर दूसरे जगह दिया जा रहा है। बंधुवर प्रमोद चौधरी मेरा नाम हुआ और ये एम्स निर्माण संघर्ष समिति परिषद का गठन हुआ। इसके तहत मैं आपके बीच जो है मैं बता रहा हूँ, जो उसने समाधान यात्रा हमारे मुख्यमंत्री जी निकाले, दरभंगा के वासियों ने उनको तहदिल से स्वागत किया। पहले भी उनको मुख्यमंत्री बना के 15 साल से रखे हुआ है, आज भी बिहार के वो मुख्यमंत्री है। मैंने लिखा हुआ है समाधान धरना, आपने समाधान यात्रा निकाला लेकिन दरभंगा वासियों के लिए समस्या का ढेर सारा समस्या का उत्पन्न करके आप चले गए। आपने एम्स निर्माण रोकवा दिया, आपने कहा जो दरभंगा मेडिकल का जो है जो मास्टर प्लान बनेगा, जो यहाँ का सड़क नाला बनना था वह अवरुद्ध है, नाला जाम है, सफाई नहीं हो रही है। बंधुवर मैं समस्या का निदान के लिए बैठा हूँ। अगर आपको एम्स बनाना है तो 200 एकड़ जमीन जो देना है अभी एम्स को दिया जाए। दूसरी बात, जो निर्माण कार्य चल रही है उसका निर्माण चालू रखा जाए। मिट्टी भराई हुई है, बाउंड्री कराया जाए अविलंब, जिससे कि भूमाफियों से और जो अतिक्रमण किया हुआ है उससे रोका जा सके। क्योंकि आपने अरबों खरबों का भवन को तोड़ दिया, गरीब गुरुओं को उजाड़ के यहाँ से हटा दिया और समस्या का समाधान के जगह आपने अब डीएमसीएच का जो आपने रोकवा दिया है एम्स को, अब उसके कारण मिट्टी भरा के कारण जलमग्न हो जाएगा। सारे नाला का पानी डीएमसीएच में जमा रहेगा, वहाँ इलाज के जगह जो है तो महामारी फैलेगी। गरीब गुरु इलाज के लिए आते हैं, एक छत्र बैठे रहते हैं, उसकी बीमारियाँ फैलेंगी। हमें इलाज के जगह बीमारियाँ फैलेगी, इसलिए समस्या के जगह आपने समाधान के जगह समस्या खड़ा कर दिया। इसलिए समाधान करो, यहाँ का नागरिक, यहाँ का जनता, यहाँ का लोग आपके साथ है, आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग मार्च करेगा रोड पर। सरकार से कहना है कि हम दरभंगा से नहीं हटा रहे हैं, अशोक पेपर मिल दे रहे हैं। हाँ, अशोक पेपर मिल कैसे दे दिया जाएगा? जो विवादित है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, पहले केस तो वापस हो जाए। जो लेबर आदमी केस किए हुआ है उसका अलग चल रहा है, गोधरा जिन्होंने जिसको आप जमीन दिए हुए वो अलग केस लड़ रहा है और आप अलग लड़ रहे हैं। तीन केस वह चल रहा है, आप केस उसको वापस कर दीजिए। जमीन दिए हुए वो अलग केस लड़ रहा है और आप अलग लड़ रहे हैं, तीन केस वह चल रहा है, आप केस उसको वापस कर दीजिए। उसको इसको दे दीजिए 400 एकड़ जमीन। आप लोग ये जो संघर्ष है तब तक ये जब तक एम्स नहीं निर्माण होता है तब तक जारी रहेगा। संघर्ष परिषद का गठन हुआ है और आज यहाँ से आह्वान किया गया था इस धरती से, दरभंगा मेडिकल अस्थली से आह्वान किया गया है। वह पूरे जिला से लेके या बिहार के धरती डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रमोद चौधरी। चलिए एम्स के विषय को लेकर अब हम भावी प्रत्याशी आ चुके हैं केवटी विधानसभा से, पिंटू खान, उनसे भी बात करेंगे। खास करके तो बताइए आप क्या कहना चाहते हैं एम्स के मुद्दा को लेकर। अब यहाँ दरभंगा की जनता ने अभी इसको आर पार की लड़ाई बना दिया है, समझ गए, क्योंकि सरकार ने एम्स दिखा दिया दरभंगा की जनता को। मिठाई दिखा के और मिठाई छीन ले सकते हैं आप। अब जहाँ दिखाए हैं अब सरकार को वहाँ पर देना होगा और एम्स का निर्माण करना होगा। और एम्स की टीम जब आई थी उस समय क्यों ने प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम है, यहाँ से एम्स दरभंगा से पास करके चली गई। अब सरकार चेंज हुआ तो सरकार अपनी दोहरी नीति दिखा रही है और सेंटर ने घोषणा किया था कि दरभंगा में एम्स देंगे, एमपी जीता, विधायक जीता। अब सरकार सेंटर की और बिहार सरकार चेंज हो गई। अब यहाँ की सरकार जो बिहार सरकार है अब दोहरी नीति दिखा रही है, जनता को एम्स दिखा के अब एम्स याद उठाना चाहिए। लेकिन दरभंगा की जनता अब जाग चुकी है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अब एम्स यहाँ जहाँ डाल चुके हैं अब वहाँ से एम्स उठा नहीं सकते हैं। अब ये लड़ाई आर पार की है, अब दरभंगा की जनता जाग चुकी है, अब सरकार जा ही रहे हैं। हम लोग को एम्स यहाँ चाहिए तो चाहिए।
यहाँ एम्स बहुत इस्तेमाल होते हैं कि कहीं दूर से अगर कोई व्यक्ति आते हैं तो वहाँ जाम की समस्या दरभंगा में रहती है, इस कारण वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? जाम की समस्या है, आप जाइए गूगल पर चेक कीजिए, सऊदी अरब, दुबई, अमरीका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड बहुत बिजी शहर है, वहाँ एक से एक फार्मूला ओवरब्रिज बना हुआ है, उससे दरभंगा का ही विकास हो। खाली आप पटना का विकास कर दीजिएगा और कहीं बिहार में विकास है नहीं, पूरे जिला का विकास करना होगा तब जाके बिहार विकास होगा। खाली आप पटना में ओवरब्रिज बना देते हैं और बाकी जिला को छोड़ देते हैं तो नीति नहीं चलेगी, ऐसे कि जिला का विकास कीजिए तब जाके बिहार का विकास होगा। खाली आप पटना में ओवरब्रिज, पटना में बड़ा बड़ा बिल्डिंग है और दरभंगा में है ही नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा जब तक एम्स में कंप्लीट नहीं होगा दरभंगा में, संघर्ष एम्स निर्माण संघर्ष समिति परिषद जो है ये संघर्ष जारी रहेगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि एम्स के बारे में देखिए हमारे साथ।